दोस्तों न्यूज़ टाइम इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि आप न्यूज़ टाइम को और हमारे सहयोगी चैनल डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 को, जिसका लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा, ताकि अच्छी से अच्छी खबर अच्छे से अच्छे लोगों तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। आपसे ये भी निवेदन है कि आप छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने आपके लिए दरअसल UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और किसी को चुनकर छोटी सी मदद करके आप दरअसल देखा जाए तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आते हैं आज की मेन खबर पर। अब JDU ने आखिरकार नीतीश बाबू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर एक स्पेशल पैकेज देने की मांग खड़ी कर दी। अब बात सामने आ गई, क्योंकि अब इन्होंने पहले वाला स्पीकर का चक्कर में तो कुछ किया नहीं, लेकिन उनके पास तो राज्यसभा का स्पीकरशिप पहले से था, यानी कि डेप्टी स्पीकर या डेप्टी सभापति कह सकते हो, हरिवंश तो पहले से उनके पास है, तो उनकी तो खैर वो डिमांड थी नहीं, लेकिन हाँ इस बात का थोड़ा अंदाज़ा हो रहा था कि स्पीकरशिप शायद तेलुगु देशम मांग सकते हैं। अब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक आयोजित की गई, उसमें संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अब संजय झा जो लोग जानते हैं उनको पता है कि वो BJP के बहुत करीबी थे, और संजय झा ही बेसिकली वो शख्स हैं जो नीतीश बाबू को वापस से इंडिया गठबंधन से निकाल के NDA के अंदर लेके आए, और संजय झा को अब उनकी मेहनत का क्या कहते हैं रिवार्ड दिया गया और उनको दरअसल एक कार्यकारी अध्यक्ष का दर्जा भी मिल गया। अब वो कहते हैं कि अगर हमें स्पेशल स्टेटस नहीं देना मत दो, एक स्पेशल पैकेज दे दो, तो आपको जो देना दे दो, लेकिन दो विकल्प सामने रख दिया, तो स्पेशल स्टेटस दो या फिर स्पेशल हमको क्या कहते हैं कि पैकेज दे दो। अब संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाना, इसका मतलब जिनका बैकग्राउंड पूरा का पूरा BJP का है, तो BJP के नेताओं से उनकी जो नज़दीकी की चर्चा है वो भी सबको पता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि JDU की NDA में वापसी में झा की तो अहम भूमिका थी, और उनको नंबर दो का नेता बनाकर ये भी संकेत दिए कि शायद बिहार अगले विधानसभा के चुनाव में BJP से कोई कॉन्फ्रंटेशन या तकरार नहीं चाहता है। और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी स्पष्ट किया कि JDU जो है NDA के अंदर बनी रहेगी, और 6 महीने पहले जब महागठबंधन की सरकार थी तो वहाँ पर ये उन्होंने स्पेशल स्टेटस का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन बाद में अब NDA में आ गए हैं। अब दबाव बनना शुरू हो रहा है उनके ऊपर, अब नीतीश ने अब ये मांग कर दी है, मुझे लगता है कि अब बात अब थोड़ी आगे बढ़ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टकराव की स्थिति बन सकती थी, लेकिन इस टकराव को टालना नीतीश कुमार के हाथ में था। लगता है कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना के नीतीश कुमार ने इस टकराव को टाल दिया एक किस्म से। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे डिमांड करके उन्होंने मोदी को फिक्स स्पॉट में डाल दिया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मुझे लगता है कि शायद JDU अब शायद कुछ ना कुछ अपना स्पेशल पैकेज या कुछ फाइनेंशियल पैकेज लेने में कामयाब हो जाएंगे। अब सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि पहले भी 1.25 लाख करोड़ का एक पैकेज देने की बात हुई थी, लेकिन 1.25 लाख करोड़ का दिया बिल्कुल भी नहीं दिया गया। अब आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई गई 65%, जो कि जातिगत जनगणना के बाद की गई थी, और फिर उसको हाईकोर्ट पटना ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो ये चाहते हैं कि नवे शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में इस रिजर्वेशन को डाल दिया जाए, ताकि इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो सके, क्योंकि नवे शेड्यूल में डाल दिया जाए तो फिर उसकी स्क्रूटनी नहीं हो सकती, जैसे तमिलनाडु का कानून है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब होगा क्या इसके आगे। नीट की परीक्षा के ऊपर भी काफ़ी बातें हुई, और कहता है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो छात्रों का विश्वास डगमगाता है, इसलिए परीक्षा को निष्पक्षता के साथ कराया जाए। और JDU कार्यकारिणी की इस बैठक में नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, KC त्यागी, विजय कुमार चौधरी, देवेश चंद्र ठाकुर, ये सब मौजूद थे। अब स्पेशल दर्जा तो भैया बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, कि तो उसके लिए क्या है कि इनको फाइनेंशियल कमीशन की जो होती है रिपोर्ट चाहिए, वहाँ रिकमेंडेशन मिलना चाहिए। अभी तक करीब करीब 11 राज्यों को दर्जा मिला है, इसमें 8 राज्य तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, 1 तेलंगाना है, और 2 पहाड़ी राज्य हैं उत्तराखंड और हिमाचल। जो 8 नॉर्थ ईस्ट हैं उसमें असम है, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय, ये सभी विशेष राज्य का दर्जा पाए हुए हैं, और इनको दरअसल टैक्स में छूट दी जाती है, और केंद्र में काफ़ी केंद्र की ओर से काफ़ी मदद दी जाती है। तो किसी और राज्य को तो विशेष राज्य बनाने का दर्जा प्राप्त तो है नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। इससे पहले जो था कुल मिला के क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम को 1969 के अंदर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर का दर्जा वैसे देखा जाए तो अभी विशेष राज्य का ही है,
और बाकी नागालैंड असम वगैरह तो पहले से ही थे, उसके बाद बाकी और टोटल 11 राज्यों को मिला हुआ है दर्जा। देखते क्या होता है, डिमांड तो रख दी है, लेकिन डिमांड रखने से होता क्या, मोदी जी मानेंगे तब ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। थैंक यू वेरी मच।